मैं प्रवीणा फर्नांडिस हूँ। आज का वीडियो है इसराइल का मिनिमम सैलरी के बारे में। मिनिमम सैलरी ज्यादा हुआ है, उसमें मिनिमम सैलरी से क्या क्या डिडक्शन होके आपको कौन सा एरिया में आप काम करें तभी आपका कितना सैलरी मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है तो आप एजेंसी से नहीं तो फैमिली से बात करके आपका सैलरी ले सकते हैं। इसलिए इसका डिटेल करके आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। मिनिमम सैलरी इसराइल में अप्रैल 1 तारीख के बाद 5880 शेकेल हुआ है। तो बोले तो अप्रैल महीने का सैलरी आप मई 10 तारीख के लेते समय आपका वो पैसा मिनिमम सैलरी इंक्रीज हुआ वो पैसा आप ले सकते हैं। शबात का पैसा तो आप अप्रैल महीने से भी सही ले सकते हैं क्योंकि शबात का पैसा भी 380 शेकेल था, वो 401 शेकेल हुआ है। फिर इंडियन हॉलीडे का भी 380 था, वो 401 शेकेल हुआ है। फिर एनुअल वेकेशन का 223 था, अभी 235 हुआ है। ये तीन इंक्रीमेंट तो 100% आपको सबको सैलरी ज्यादा मिल रहा है तो कम मिल रहा है तो सबको ये तीन बेनिफिट्स 100% आपको मिलेगा। सैलरी के बारे में डिपेंडिंग ऑन आपका सैलरी आपका कितना सैलरी मिल रहा है इसके अनुसार आपको सैलरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। अभी मैं बोलूंगी जेरूसलेम एरिया में काम करने वाले लोगों का क्या क्या डिडक्शन होता है, कितना डिडक्शन होके आपका कितना सैलरी मिलना चाहिए। जेरूसलेम एरिया में काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉयर का घर का रेंट का पैसा 237.62, फिर लिविंग एक्सपेंसेस 89.11 शेकेल, मेडिकल इंश्योरेंस 159.45 प्लस फूड एक्सपेंसेस 588 शेकेल। 588 शेकेल बोले तो 5880 शेकेल से 10% बोले तो 5880 का 10% बोले तो 588 शेकेल। तो जेरूसलेम एरिया में काम करने वाले को इतना डिडक्शन होने के बाद 4806 शेकेल आपको सैलरी मिल रहा है तो आपको बराबर सैलरी मिल रहा है। उसके बाद आपको वीकेंड का 100 मिलेगा प्लस शबात कितना आप काम करें शबात का भी एक्स्ट्रा मिलेगा। वीकेंड एंड शबात एक्स्ट्रा है, ये ओनली आपका सैलरी है 4806। उसके बाद तेलवी एरिया में काम करने वाले लोगों के बोले तो 270.20 रेंट, 89.11 लिविंग एक्सपेंसेस, 159.45 मेडिकल, 588 फूड। सब लोगों को मेडिकल फूड लिविंग एक्सपेंसेस सेम होता है, ओनली रेंट का डिफरेंट आता है, इतना ही डिफरेंस आता है। रेंट बोले तो एक एक एरिया में रेंट दूसरा चेंजेस होता है इसलिए रेंट का तो थोड़ा चेंजेस आता है। बोले तो तेलवी एरिया में काम करने वाले लोगों को 4773 शेकेल मिल रहा है तो उसको बराबर सैलरी मिल रहा है। उसके बाद 100 शेकेल वीकेंड का प्लस शबात का एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद हाइफा और सेंट्रल एरिया में कोई काम कर रहे तो आपको रेंट 180.15 एनएस, फिर लिविंग एक्सपेंसेस 89.11, मेडिकल एक्सपेंसेस 159.45, फूड का चार्ज 588। बोले तो 4863 शेकेल आपको मिल रहा है तो आपको बराबर सैलरी मिल रहा है। नॉर्थ में काम करने वाले लोगों को तो 147.35 रेंट, 89.11 लिविंग एक्सपेंसेस, 159.45 मेडिकल, 588 फूड का, बोले तो 4896 सैलरी मिल रहा है तो उनको ठीक है। उसके बाद वीकेंड एंड शब्द एक्स्ट्रा है। साउथ में काम करने वाले लोगों को रेंट 160.15, लिविंग एक्सपेंसेस 89.11, मेडिकल इंश्योरेंस 159.45, फूड एक्सपेंसेस 588, 4883 मिनिमम सैलरी है प्लस वीकेंड एंड शबात एक्स्ट्रा है। बोले तो इतना डिटेल्स करके मैंने बोला है क्या क्या डिडक्शन होता है, रूम रेंट, लिविंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और फूड। फूड बोले तो थोड़ा लोगों को फूड का पैसा कट कर रहा है 10%, नया आए वाले लोगों को तो फूड का पैसा कट कर रहा है 10%। उन लोगों को एग्रीमेंट साइन करते वक्त उसमें सब डिटेल्स करके लिखा है। ऑलरेडी इसराइल में काम कर रहे हैं उन लोगों को, थोड़ा लोगों को तो फूड का मनी कट नहीं कर रहे, थोड़ा एजेंसी से फूड का मनी कट कर रहे, इसलिए वो डिपेंडिंग ऑन एजेंसी एंड फैमिली है।
फिर आपको आपका सैलरी इंक्रीज हुआ है इसलिए आप एजेंसी से बात करो, फैमिली से बात करो, आपका क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, इतना सब इंक्रीमेंट का डिटेल्स है। फिर आपका फ्रेंड्स लोगों को किसी को इसराइल केयर गिवर जाने के लिए इंटरेस्टेड है क्यों, मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर मैं ये वीडियो के नीचे दूंगी। ठीक है, इतना ही आज का वीडियो है। ये वीडियो आपका पसंद हुआ तो लाइक करो, कमेंट करो, आपका फ्रेंड्स को शेयर करके दे दो। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, टेक केयर।